इसके लिए आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप चाहते हो कि आपके फ़ोन से जितनी भी चाइनीज़ ऐपें हैं उनको आप हटाना चाहते हो, आपको पता नहीं होगा, लिस्ट तो वैसे फेसबुक पे या आप कहीं पे भी देखोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐपें ऐसी हैं जिनको आपको पता नहीं होता है कि कौन सी ऐप है वो चाइनीज़ ऐप है। तो मैं आपको एक प्ले स्टोर से आपको रिप्लेस इट नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उसे अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद में जैसे फ़ोन है उसके अंदर स्कैनिंग होने लगेगी, जितनी भी चाइनीज़ ऐप है वो उसके अंदर ऑप्शन दिखा देगा और आप बहुत ही इजी तरीके से उन चाइनीज़ ऐप को हटा सकते हो। और वैसे भी सरकार ने, आपको पता ही है, 59 ऐप है वो अभी ब्लॉक कर दी है, यानी बैन कर दिए इंडिया के अंदर। और वो ऐप यदि आपके फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है तो वो सिर्फ काम नहीं करेगी, हाँ चल जरूर पाएगी लेकिन वो अभी काम नहीं करेगी। जैसे टिकटॉक आप चलाओगे तो काम नहीं करने वाला, आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉलेशन है लेकिन वो कोई भी काम का नहीं है और आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसे ऐप हैं जो चाइनीज़ ऐप हैं उनका आपको पता नहीं होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो आज ही जाके प्ले स्टोर से रिप्लेस इट नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग होने के बाद जितनी भी चाइनीज़ ऐप है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी और ऑप्शन आ जाएगा कि आप उन्हें डिलीट करना चाहते हो, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से उन ऐप को है वो डिलीट कर सकते हो। तो एक बात और बता दूँ आपको, यदि कोई अननोन पर्सन से आपको ईमेल मिले या आपके जीमेल पे कोई भी ईमेल आए तो उससे भी आप थोड़ा सिक्योर रहिए, क्योंकि आज के समय में जो हैकिंग है वो काफ़ी बढ़ने लगा है और कोरोना वायरस के बाद में तो सबसे ज़्यादा ठगी हुई है, तो वो थी हैकिंग के रिलेटेड ही बहुत सारी ठगी हुई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी अननोन पर्सन आपको ईमेल करता है तो आप उसको जाके चेक न करिएगा। पहले आपका यदि जान पहचान वाला है उसने ईमेल की है तो ठीक है, वरना उसको कोई भी फाइल आपके पास भेजता है तो उसको ओपन नहीं करिए, चाहे आपका पीसी हो चाहे आपका मोबाइल हो, क्योंकि उनमें कोई भी मार्शियस कोड या किसी भी टाइप का वायरस हो सकता है जो आपके पीसी के अंदर या मोबाइल के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा या अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा या अंदर एंट्री कर लेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ईजी तरीके से हैक हो सकते हो। तो इन चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।